पैसा अभी पकड़ा है वो मेरा फर्म का पैसा है। जो कैश पकड़ा गया है वो शराब बिक्री का पैसा है, क्योंकि शराब व्यापार में सारा सेल कैश से होता है। यह पैसा को कांग्रेस पार्टी तथा अन्य राजनीतिक दलों से कोई इसका इस पैसे का कोई संबंध नहीं है। सबसे पहले तो मैं अपना बैकग्राउंड दे देता हूँ कि मैं तकरीबन 30-35 साल से सक्रिय राजनीति में हूँ। उच्च राजनीति में तो 1977 से हूँ, लेकिन मैं सक्रिय राजनीति में मैं 30-35 साल से हूँ। और यह मेरा पहला ऐसा वारदात हुआ मेरे साथ में, इसे मेरे दिल में काफ़ी चोट पहुँची है, क्योंकि मैं हमेशा चाहता था कि मेरे पर कोई विवाद ना हो, लेकिन आज विवाद खड़ा हो गया तो मुझे मजबूरन अपना और अपने परिवार के बारे में मैं जानकारी देना चाहता हूँ। मेरे बड़े भाई शिवप्रताप साहू दो बार रांची के सांसद रहे हैं, और इसके बाद हम लोगों ने काफ़ी कुछ विकास का काम किया। लोहरदगा हो, रांची हो, अन्य जगह में भी हम लोगों ने, उड़ीसा हो, जगह जगह हम लोगों ने काफ़ी हम लोग कुछ किया। और हमारे पिताजी स्वर्गीय राय साहब बलदेव साहू, वो भी काफ़ी गरीबों का मदद करते थे, समाज सेवा करते थे, और हम लोगों ने कॉलेज स्कूल काफ़ी सारा खोला हम लोगों ने। लेकिन आज इस तरह से जो हो रहा है तो मुझे काफ़ी दुख पहुंची है, और मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि जो पैसा पकड़ाया है वो मेरा फर्म का पैसा है। हम लोग शराब का व्यवसाय में तकरीबन हम सोचते हैं कि 100 साल से भी ऊपर हो चुका है, और उसकी सारी जानकारी मैं आपको दे रहा हूँ कि इन 100 सालों में हम लोगों ने सरकार को काफ़ी कुछ किया, काफ़ी रेवेन्यू दिया। आज इस तरह से हो रहा है तो मुझे काफ़ी चोट पहुंची है, और मैं चाहता हूं कि इसका मैं अपने तरफ से इसका खुलासा कर दूं, लोगों को जानकारी मिले। और मैं दिल्ली में ही था, आप लोगों से मिलना चाहता था, लेकिन कुछ परिस्थिति ऐसी आ गई थी, आप लोगों के सामने आने में मुझे शर्म महसूस हो रही थी, और मैं राजनीति छोड़ करके मैं अपने बिजनेस में भी नहीं ज़्यादा ध्यान देता था। बिजनेस मेरे परिवार वाले करते थे, और कभी कभार मैं पूछता था बिजनेस के बारे में, बाकी हमको अधिकतर समय मैं राजनीति में ही अपना समय दिया। तो मैं कुछ चीज़ जो अपनी कंपनी के बारे में, अपने व्यवसाय के बारे में मैं पढ़ कर बता दे रहा हूँ, तो आप इसको थोड़ा ध्यान से आप इसको सुन लीजिएगा। देखिए, पहला पॉइंट है कि हमारा जो परिवार है एक संयुक्त परिवार है, बहुत बड़ा परिवार है हमारा। इसमें कुल हम लोग 6 भाई हैं, और उनके बच्चे लोग भी हैं। आज बच्चे लोग सब व्यवसाय से जुड़े हुए हैं, और हमारा 100 साल से भी ऊपर का जो कंपनी है या फिर ये पुराना यह बिजनेस है। और हम यह जो कैश का जो पकड़ा गया है ये हमारे व्यापार शराब से संबंधित फर्मों का पैसा पकड़ा गया है। हमारा परिवार पिछले 100 साल से अधिक से चलता आ रहा है, तथा हमारा जो भी कारोबार है वो बिल्कुल पारदर्शी है। आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि जो कैश पकड़ा गया है वो शराब बिक्री का पैसा है, क्योंकि शराब व्यापार में सारा सेल कैश से होता है। यह पैसा सेल कलेक्शन था। यह पैसा को कांग्रेस पार्टी तथा अन्य राजनीतिक दलों से कोई इसका इस पैसे का कोई संबंध नहीं है, जो कि चर्चा में आया है, तो इसके बारे में भी बता दे रहा हूँ। ये पूर्ण रूप से हमारे कंपनी का पैसा था, और ये कैश का भी मैं जिक्र किया, वो कैश से ही हमारा व्यापार चलता है डेली। आप लोग भी जानते होंगे, शराब जहाँ जहाँ भी बिजनेस होता है वो कैश का ही बिजनेस होता है, तो वह कैश
का ही यह बिजनेस है हमारा। और मैं हमारे फर्म के बारे में बता देता हूँ कि बलदेव साहू, शिवप्रसाद साहू एंड संस के नाम से हमारे है। दूसरा है रितेश साहू, ये तीनों फर्म हमारे रिश्तेदार के हैं। इसके अलावा हमारे और भी सारे रिश्तेदार लोग हैं, उनके नाम से भी है यह फर्म चलता है। जहाँ तक BPDL की बात, जैसा है कि अखबार मीडिया के माध्यम से दिखाया जा रहा है, वो कैश जो बरामद नहीं हुआ है वहाँ पर, जो कैश को लोग बोलते हैं कि काफ़ी मात्रा में कैश वहाँ बरामद हुआ है, तो वह हमारा डिस्टिलरी वहाँ पर है, वहाँ शराब बनता भी है, और वहाँ पर किसी तरह का भी कोई भी कैश नहीं पकड़ा गया। और जो भी पैसा मीडिया के माध्यम से मेरा दिखाया जा रहा है, वह सारा पैसा मेरा नहीं है, यह पैसा मेरे परिवार तथा अन्य संबंधित फर्मों का है। तो मैं यही आप लोग को जानकारी दे रहा हूँ कि जो भी चीज़ आप मैं पढ़ कर बताया वो बिल्कुल सत्य है, इसमें किसी तरह की भी कोई छिपाने वाली बात नहीं है। आप इसको, इस पर आप को भी मैं पूर्ण रूप से मैं कॉन्फिडेंस के साथ कर रहा हूँ कि इनकम टैक्स ने छापा मारा है, तो इसकी सारे हिसाब किताब मैं हम लोगों को दूंगा। क्योंकि अभी बहुत सारा चीज़ ऐसा हमको पता चला कि घर वालों से मैंने चर्चा किया तो पता चला कि यह पैसा हम लोग का, जैसे महुआ खरीदता है उसी से शराब बनता है, उसका भी कुछ पेमेंट देना होना था। अभी अभी जैसे पॉलिसी मैटर में कुछ पैसा रेवेन्यू दिया जाता है, उसके लिए भी कुछ पैसा वहाँ पर रखा गया था। तो खैर वो हमारे परिवार वाले, इनकम टैक्स के बीच का मामला है, वो परिवार वाले इसका सफाई देंगे या फिर अपना जो भी चीज़ दिखाना वो इनकम टैक्स के सामने ही देंगे। तो आप कुछ दिन और इंतज़ार कीजिए, मैं और भी चीज़ आपके सामने आकर बताऊंगा, जो कि मैं किसी तरह की कोई भी चीज़ में, चाहे इनकम टैक्स हो या और भी कोई है, मैं सबको, हम लोग उनको मदद करेंगे और सारा चीज़ की जानकारी मैं जनता के सामने रखूँगा जाके। सर जो आप कह रहे हैं इनकम टैक्स के पास ही साथ में, इसी चीज़ पर मैं आ गया था, एक सवाल आपसे पूछना चाह रहा था, क्योंकि जो विपक्ष से खासतौर से भारतीय जनता पार्टी से जो लगातार आरोप लगाए गए थे कि ये काला धन है, कोई हिसाब किताब नहीं है, तो क्या पक्ष है आपका इसमें? ये काला धन है कि नहीं है, देखिए अभी मैं थोड़ा देर पहले बताया कि हम लोग के पास हर बिजनेस जो है, इसमें जितना भी तरह का जो फर्म है, हम लोग का परिवार का नाम से है। हम वो लोग कैसे काला धन को शो कर रहा है, वो तो खैर इनकम टैक्स ही बताएगी, इनकम टैक्स का भी जवाब आने दीजिए, काला धन है या सफ़ेद धन है, वो तो इनकम टैक्स का इसका जवाब देगी, हिसाब आप देंगे। हाँ हिसाब, हाँ देखिए हम बिजनेस, आपको मैं बता दे रहा हूँ कि मैं बिजनेस में नहीं हूँ, हमारे परिवार वाले इसका जवाब देंगे। मैं बिल्कुल इस मामले से बिल्कुल दूर हूँ, मैं क्योंकि हमारा परिवार बहुत बड़ा है और मैं राजनीति में 35 साल से हूँ, इसके अलावा मैं कुछ भी आपको जानकारी नहीं देना चाहता हूँ, और मैंने दे दी जो भी जानकारी देना था दे दिया, और आगे जो भी चाहेंगे मैं देने को तैयार हूँ। एक एक आखिरी सवाल है सर, क्योंकि आप राजनीति में हैं, कांग्रेस पार्टी से जुड़े हुए, इसीलिए आपका नाम ज़्यादा लिया जा रहा है, तो क्या पार्टी से संबंध है या कुछ और? देखिए अब ये इनकम टैक्स का छापा है, अब उसको लोग किस तरह से लोग इसको देख रहे हैं, इसका बारे में तो हमको नहीं पता है, लोग क्या सोचते हैं क्या नहीं सोचते हैं। मैं किसी पार्टी के ऊपर आरोप नहीं लगा रहा हूँ, लेकिन मैं इतना कह सकता हूँ कि यह कांग्रेस पार्टी या अन्य राजनीतिक पार्टी का परिणाम है।